टू लॉन्ग। तो एक चीज ऐसी जो आप लोगों के अकॉर्डिंग इस एग्जाम में नहीं बदलनी चाहिए, मतलब एक एक पर्सपेक्टिव में आप सभी से जानना चाहूंगा। जुनैद, सब्जेक्ट डाइवर्सिटी जो दे आस्क फॉर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अंटिल अनलेस यू डोंट स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, आपको वो पर्सपेक्टिव नहीं मिल सकता। तो जैसे दो ऑप्शनल थे पहले एंड नाउ दे हैव इंक्रीज्ड जीएस पेपर्स, आई फील ये वाला पैटर्न बेटर है। द मोर सब्जेक्ट्स यू स्टडी वो पर्सपेक्टिव आपका वाइडन होता है, तो डोंट रिड्यूस इट, दैट्स व्हाट आई थिंक, वो चेंज डाइवर्सिटी रहनी चाहिए। गौरव जी, वेल मैंने तो क्या है कि जैसे इस कंट्री के जो टॉप मोस्ट एग्जाम्स हैं, मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया है, मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया है, मैंने आईएएस का एग्ज़ाम भी दिया है, एंड आई फील कि आईएएस का एग्ज़ाम इज़ द बेस्ट वन विच इज़ आउट देयर। आई मीन ले देखे आप बॉटम लाइन देखें, जेई जस्ट टेस्ट योर आईक्यू, कैट जो है बॉटम लाइन ये है कि जस्ट टेस्ट योर इंग्लिश, बट जो यूपीएससी वाला एग्ज़ाम है ये आपको होलिस्टिकली एक्चुअली टेस्ट करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज़ के अंदर बहुत अच्छे हों तो आप यू नो यू विल फ्लाई थ्रू एवरीथिंग, या आप किसी एक चीज़ के अंदर बेकार हों तो यू विल गेट स्टक, ऐसा नहीं है। आई मीन यू नीड टू बी गुड, कंसिस्टेंटली गुड, वो चीज़ है। एंड आई मीन सो एज आई सेड इन माई प्रीवियस आंसर एज वेल, कि जो एम्फेसिस है एनालिटिकल केपेबिलिटीज़ पे, जो एम्फेसिस है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, दैट इज सुपर्ब, वो रहना चाहिए। ओके रोमन, पहले तो कुछ उसमें आई ऐड टू हिस पॉइंट, मैंने भी AIPMT और ये सब दिए थे 2008 में, तो दैट यूज़ टू बी अ वेरी चैलेंजिंग पेपर, अपने टाइम में बहुत हार्ड आता था हमारे टाइम में, और मतलब फट लेती थी उसको पढ़ने में, इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम। NCERT वगैरह से तो कुछ होता ही नहीं, दैट यूज़ टू बी लाइक एंट्री लेवल बुक्स, और उसके बाद आपको मतलब फिजिक्स मैथ्स वर्मा और ये सब सॉल्व करना पड़ता था जस्ट टू बिकम अ डॉक्टर। नाउ दे हैव डम डाउन द पेपर नाउ कमिंग टू 2023, मतलब जो 90 क्वेश्चन आएंगे उसमें से मान लो आप 89 क्वेश्चन NCERT से आएंगे, और वो बस इस बात पर डिबेट कर रहे होते हैं कि ऑफ है कि फॉर है, कि मतलब दिस इज़ ऑन दी फ्लावर या दिस इज़ फॉर दी फ्लावर, मतलब लिटरली वो वर्ब्स पे और डिस्कशन चल रहा होता है MCQs में, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दी NCERT। तो एक तो वो पेपर है, इफ़ यू आर जस्ट गुड एट लाइक मेमोराइजेशन, लाइक इफ़ यू हैव डिसेंट आई क्यू एंड गुड एट मेमोराइजेशन, 99% चांस है आपका नीट निकल जाएगा। तो वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसा मतलब यहाँ पे 50 वेरियंट होते हैं। जैसे मेरा एक बैचमेट था विपिन गर्ग, एम्स में हम साथ में गए थे 2008 के ही हम दोनों, तो जब उसने मेरे साथ एग्ज़ाम दिया 2013 का, तो उसके वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स आए थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, लोएस्ट मतलब पूरे इंडिया में, नंबर नहीं बताऊंगा। फिर सेकंड अटैम्प्ट दिया तो उसके मार्क्स इंप्रूव हुए, 150-160 आए, और जब उसका एक्चुअल सिलेक्शन हुआ उसके साथ 20 रैंक आई थी गुजरात कैडर में, उसके हाईएस्ट नंबर आए थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पूरे इंडिया में, जस्ट द नेक्स्ट एग्जाम थर्ड अटैम्प्ट में जो उसका था 210 या 212। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि पर्सनैलिटी ओवरनाइट चेंज होगी, बट इफ़ यू लाइक UPSC विल गिव सम हिंट्स कि भाई ऐसे चेंज कर लो, दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, सो लाइक यू कैन चेंज। मतलब ये ड्रॉबैक भी है इसका कि सब्जेक्टिविटी है इसमें, कि एक बंदे के लोएस्ट हाईएस्ट कैसे आ सकते हैं, मतलब 2 साल में उसकी पर्सनैलिटी ऐसे कैसे चेंज होगी। बट द लिमिटेड पॉइंट इज कि जस्ट बिकॉज ही वॉज गुड एट अकेडमिक्स तो ही वॉज रिजेक्टेड एट सम टाइम, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है, जैसे ये बता रहे थे प्रीलिम्स में ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो इट्स अ मल्टीफैसेटेड एग्जाम, तो इसमें कई बार पेन भी मिलता है इस चक्कर में, बट अल्टीमेटली जो लोग सेलेक्टेड होते हैं मतलब 80-90% ऑफ देम दे डिजर्व टू गेट सेलेक्टेड, ये आप बाकी एग्जाम्स शायद नहीं कह सकते हो। कि मान लो कि किसी को डॉक्टर बनना है, जनरली उसको सेवा करनी है कि लोग 100 मरीज देखना ओपीडी में, अगर उसको NCERT नहीं रटी जा रही, उससे 18 बार नहीं पढ़ी जा रही, तो नहीं निकलेगा। तो ये जो परसिस्टेंस पेशेंस या जो परसिवरेंस वाला गेम है UPSC में, कि एग्ज़ाम साइकिल ही 1 साल तक चलती है, कि आप मतलब मार्च में फॉर्म भरोगे, मई में प्री दोगे, फिर अक्टूबर नवंबर में वो दोगे, वही आपको बहुत कुछ टेस्ट कर लेता है। नीट में यू जस्ट हैव टू बी लकी ऑन फॉर दोज 2-3 आवर्स, दैट्स इट, पढ़ा हुआ वो आ गया, गोले भर दो आगे निकल जाओ, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एवरी डे यू हैव टू बी लकी लाइक मल्टीपल टाइम्स। तो आप कह रहे हो कि 90% इट इज़ वर्किंग फाइन, जो 80-90% जो सेलेक्ट होते हैं वो होने चाहिए। अब देखो ऐसा परफेक्ट तो कोई सिस्टम होता नहीं है, बट जो बाकी मैंने एग्जाम्स देखे जो IIT बता रहे हैं, नीट बता रहे हैं, दे आर प्योरली कि आपका ब्रेन की ऑपरेटिंग फंक्शनल क्या है, मतलब वट काइंड ऑफ जेनेटिक्स यू आर बॉर्न विद प्राइमरीली, और थोड़ा बहुत हार्डवर्क ऑब्वियसली दैट गोज विदाउट सेइंग, बट विद लो लाइक इफ यू डोंट फंक्शन एट दैट लेवल देन क्रैकिंग इट्स डिफिकल्ट। सो द क्वेश्चन की एक चीज़ जो नहीं बदलनी चाहिए, मैं कहूँगा फेथ इन द सिस्टम। तो और जितने भी एग्जामिनेशन हैं कंट्री में उन पर क्वेश्चन रेज होते हैं, बट UPSC में मैं मानता हूँ ये है कि हम कितना भी कंप्लेन कर लेंगे, ठीक है इंटरव्यू में बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, प्रीलिम्स में भी इवन बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, बट ओवरऑल जब एक लिस्ट आती है, एक फाइनल लिस्ट आती है, तो उस पर क्वेश्चन नहीं रेज होते, लोग एक्सेप्ट करते हैं दीज हैव बीन सेलेक्टेड, दे डिजर्व टू बी सेलेक्टेड। और ये मुझे लगता है ये फेथ जो है सिस्टम में ये बरकरार रहना चाहिए। पेपर लीक वगैरह भी डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो भी कोई भी आपको ये पता है कि अगर आप UPSC में अपीयर कर रहे हैं, ठीक है लक का फैक्टर है, बट इफ यू डिजर्व यू विल गेट थ्रू, मे बी आज नहीं कल नहीं परसों, बट यू विल गेट थ्रू। तो ये मुझे लगता है जो फेथ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषभ, नॉट नेसेसरली इन डिसएग्रीमेंट विद ऑल द स्ट्रीम पैनल मेंबर्स, इंटेग्रिटी इन UPSC इज देयर, इट हैज टाइम टेस्टेड एंड सक्सेसफुल फॉर सिंस 1950s।
बट द पॉइंट वुड बी व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन, जो मैंने देखा है कि अगर जो सिंसियर स्टूडेंट है, जो कि चंक बहुत कम होता है, 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 50-60 हज़ार सिंसियरली प्रिपेयर करते हैं, तो आफ्टर अगर वो 1.5 साल पढ़ लेते हैं तो हार्डवर्क, मेरिट, टैलेंट, नॉलेज लिटरली डज नॉट मैटर एट ऑल. फिर क्या मैटर करता है? इमोशनल परसिवियरेंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एग्जाम 2 घंटे का सर है सेट नहीं है, ये 3 स्टेज में एग्जामिनेशन है, फिर से वो चक्रव्यूह स्टार्ट हो जाता है. एंड फिर नॉन अकेडमिक स्ट्रगल्स जो होते हैं, अकेडमिक स्ट्रगल्स आई से कि वो प्रिविलेज स्ट्रगल, अगर किताबों से आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन. नॉन अकेडमिक स्ट्रगल्स बहुत आते हैं, लाइफ से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड. अगर आप ये दोनों चीज़ें, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ रहे हो, ऊपर से एक लाइफ खुद में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो अगर आप वो दोनों चीज़ मैनेज करके एग्जामिनेशन निकाल रहे हो, देन सल्यूट टू, बिकॉज मैनी पीपल हु आर इन 700, जो 700 लोग सेलेक्ट होते हैं, मोर देन 50% पीपल आर नॉट सफरिंग बिकॉज ऑफ देयर अकेडमिक्स, दे आर सफरिंग फ्रॉम बिकॉज ऑफ नॉन अकेडमिक इशूज. सो वो पुरानी बात है, तो उसमें यू पी एस सी इज वेल एस्टेब्लिश देयर. अगर इसमें इंटरव्यू की बात की जाए तो इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू ब्रिंग अ नॉन अकेडमिक आस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, दे विल डेफिनेटली सेलेक्ट यू एंड गिव यू वेरी गुड मार्क्स. सो बहुत सारी चीज़ें, वन थिंग विच शुड नॉट बी, वो शुड बी देयर इन द सिस्टम, दैट इज एज ही सेड, फेथ इन द सिस्टम एज वेल एज द इंटेग्रिटी इन द प्रोसेस एज वेल एज बिलीफ इन योर सेल्फ प्राइमरीली, दैट यू विल क्लियर दिस. फेथ तो देखो ऐसे भी रीइन्फोर्स होता है, अगर किसी सिस्टम का लिटमस टेस्ट करना हो तो आप जैसे क्रिकेट में देखना कि ज़्यादातर जो क्रिकेटर्स होते हैं दे आर नॉट सन्स एंड डॉटर्स ऑफ क्रिकेटर्स. सो यू विल सी दैट इन यू पी एस सी ऑल्सो. आई थिंक हमारे 180 जो आई एस होंगे, जैसे गौरव है, मैं हूँ, तो हमारे दूर दूर तक कोई ऐसे अफसर नहीं मिलेगा पूरे, मतलब हार्डली 5 लोग या 6 लोग ऐसे होंगे मेरे पूरे बैच में 180 में से जिनके पापा या मम्मी सिविल सर्वेंट होंगे. क्रिकेट में भी आप देख लेना, तो अर्जुन को बैठाई रखा है चेयर पर अभी तक, 24 साल का हो गया, और जो 17 साल के लोग हैं वो आगे खेल के चले जाते हैं, यशस्वी जायसवाल जो बताते हैं गोलगप्पे बेचते. तो मेरिटोक्रेसी ऑफ द सिस्टम कैन बी जज्ड कि भाई वहाँ पे कौन बैठा है, ये आपको बॉलीवुड में नहीं मिलेगा या फिर जो अदर फील्ड्स हैं उसमें शायद नहीं मिलेगा उतना. तो यहाँ पे क्लियर कट वो दिखता है, मतलब प्रूफ ऑफ द पुटिंग इज इन ईटिंग. तो इट्स वेरी वेरी लाइक जो फेथ आपने वर्ड बोला, मतलब कैन बी ग्लीन्ड फ्रॉम द फैक्ट कि कितने लोग सेलेक्ट होते हैं. और यूपीएससी की खुद की रिपोर्ट यही बताती है कि सिंस 1950s एंड 60s द बैकग्राउंड ऑफ द ऑफिसर्स दैट आर बीइंग सेलेक्टेड वो काफी डाइवर्सिफाइड होता जा रहा है, दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैकग्राउंड्स, इकोनॉमिकली, सोशली, तो डाइवर्सिटी है. और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर नॉट सन्स एंड डॉटर्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग डे बाय डे. दोस्तों, पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आ रही है पाथफाइंडर हिंदी चैनल. जी हाँ, पाथफाइंडर पे हमें बहुत लंबे समय से रिक्वेस्ट आती थी स्टूडेंट्स की कि सर आप शुद्ध हिंदी में पढ़ाइए, यानी कि जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो भी हिंदी में हो, जो आप बोल रहे हैं वो भी हिंदी में हो. अभी जो हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं उसमें जो टेक्स्ट आता है स्क्रीन पर वो अंग्रेजी में आता है, और उसे हिंदी भाषी स्टूडेंट्स को समझने में कई बार दिक्कत आती है. इसीलिए हमने ये तय किया है कि अब हम एक कम्प्लीटली हिंदी चैनल लॉन्च करेंगे. तो ये वाला चैनल लॉन्च हो चुका है, इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी मिल जाएगा, तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें. वहाँ पर हमारी एक पूरी नई टीम तैयार हो चुकी है जो आपको हिंदी में पढ़ाएगी. और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारा एक बैच आ रहा है जो पूर्णतया हिंदी में होगा. इट विल बी अ हिंदी बैच फॉर यूपीएससी, जिसका हम नाम रखने वाले हैं पाथफाइंडर हिंदी बैच ही रहेगा. लेकिन ये बैच सेम पाथफाइंडर इंग्लिश या हिंग्लिश वाले बैच की तरह 8,000 रुपये में आपके लिए अवेलेबल रहेगा. तो ये भारत का सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट यूपीएससी कोर्स होने वाला है. सबसे बेहतरीन शिक्षक यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे. 8,000 रुपये इसकी प्राइस रहने वाली है, और ये प्राइस आपको मिलेगी जब आप कोड यूज़ करते हैं पाथ या पाथफाइंडर, कोई भी कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस कोर्स को सब्सक्राइब आप अभी से कर सकते हैं. ये कोर्स जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, उसकी डिटेल्स आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी. ये एक लाइव कोर्स होगा, इसमें आपको हम लाइव पढ़ाएंगे, टीचर्स आपके डाउट सॉल्व करेंगे लाइव, और ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं ताकि देश के हिंदी माध्यम के छात्र भी आईएएस की वो तैयारी करें जो इंग्लिश मीडियम के छात्र कर रहे हैं. दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी, बराबर प्लेटफॉर्म देना हमारा कर्तव्य है, एंड वी आर डूइंग इट नाउ. टीम पाथफाइंडर आपके साथ है हमेशा.